দুবাই গ্লোবাল ভিলেজ ইন চেন্নাই। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। চেন্নাই পে রহে কে দুবাই গ্লোবাল ভিলেজ দেখনা চাহতে হ্যাঁ তো এন তক বনে রহে মেরে ভিডিও পে। चेन्नई के थिबोथी डाल पे चल रहा है ये एग्जीबिशन। एड्रेस डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। ये एग्जीबिशन चलेगा 20 अक्टूबर 2024 तक। टाइमिंग मंडे टू सैटरडे 3 PM to 10 PM एंड संडे 12 PM to 10 PM। आगे बढ़ते हैं टिकट काउंटर के ओर। टिकट प्राइस 100 रुपीज पर हेड। अब चलते हैं एग्जीबिशन के अंदर। एंट्री करते ही साइड में आपको देखने को मिलेगा रोबोटिक पांडा और उसके बाद रोबोटिक ईगल। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे शॉपिंग के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आपको अगर शॉपिंग करना है तो ये बेस्ट जगह है। ये प्लाजो आपको मिल जाएगा 3 पीसेस 600 रुपीज पे। ये देखिए हॉरर हंटेड जोन। अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। मुझे मेरे घर के डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम्स चाहिए था तो मुझे ये स्टॉल बहुत अच्छा लगा। इस स्टॉल से मुझे बहुत सारे कलेक्शंस मिल जाए। वेरी रीजनेबल प्राइस पे मुझे ये फ्लावर्स के स्टिक्स, माला और डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ से मिले हैं। अब चलते हैं फूड स्टॉल पे, खाते हैं एक आइस गोला। घर के लिए कुछ एसेंशियल सामान इस स्टॉल से मैंने परचेस की। ये है पेट्रोनास ट्विन टावर। उसके बाद स्टैचू ऑफ जीसस। ये है रोम कोलेसियम। लीनिंग टावर पीसा
और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप देखिए म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दुबई। ऐसा लग रहा है हम चेन्नई में रह के दुबई विलेज पहुंच गए। देखिए दुबई फ्रेम। अरे वाह, बुर्ज खलीफा एंड बुर्ज अल भी बनाया है। चलते हैं अब लंदन ब्रिज पे। इतना एक्साइटिंग एंड वंडरफुल एग्जीबिशन पे आकर लग रहा है जैसे हम लोग तो वर्ल्ड टूर पे निकल पड़े। कितना ब्यूटीफुल बनाया है ये आईफिल टावर। एक वंडरफुल इवनिंग आज हमने यहाँ पर स्पेंड किया। तो आप अगर चेन्नई पे हैं तो आपके फैमिली के साथ जल्दी से आ जाइए इस एग्जीबिशन पे। बहुत सारे राइडर्स यहाँ पर हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहा दुबई ग्लोबल विलेज एग्जीबिशन। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।